तो बिल्कुल मौसम विभाग की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मौसम जो विभाग है वो समय समय पर नई नई जानकारी दे रहा है, जिसको लेकर हमें पहले ही सतर्क कर रहा है, यानी जनता तक मौसम की जानकारी भी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिकोल। तो मौसम की तरफ से क्या कुछ सूरत हाल है और मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है, ये दर्शकों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुक्रवार से बारिश बर्फबारी के आसार हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी सफर से करें परहेज, यानी जो लोग हिली एरियाज के सफर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पहाड़ी सफर से परहेज करने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। और साथ ही साथ माँ वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की बात करते हैं तो वहां पे भी अधिकतम तापमान जो है वो 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल की बात करते हैं, बनिहाल का अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बटोत की बात करें तो बटोत का अधिकतम तापमान 18.9 न्यूनतम तापमान और 11.4 जो है वो डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे की अगर बात करते हैं, श्रीनगर, काजीगुंड, कोकरनाग, बनिहाल, बटोत, कटरा, भद्रवाह, इन सभी इलाकों में हल्की जो बारिश है उसके बाद तापमान में हल्की गिरावट आई है। और कश्मीर के काजीगुंड को सभी जिलों में, जो काजीगुंड इलाका है उसे छोड़कर जो सभी जिले हैं उनमें न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। दो दिन तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने के बाद मंगलवार सुबह से ही मौसम साफ रहा। वीरवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना बताई जा रही है। और वही कश्मीर में 22 से लेकर 24 तारीख तक जितने भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे मौसम विभाग ने ये कहा है कि बर्फबारी की संभावना है, यानी 22 से लेकर 24 तारीख तक जो है उच्च पर्वतीय जितने भी क्षेत्र है वहां पर मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी की संभावना है। और ऐसे मौसम विभाग ने अभी से लोगों को हिदायत दी है कि इस दौरान वे पहाड़ी सफर जो है, यानी जितने भी लोग, आप भी जानते हैं कि हिली एरियाज का सफर तय करते हैं, तो हिदायत ये दी है मौसम विभाग ने कि अभी जो है आप हिली एरियाज का सफर तय ना करें, उससे परहेज करें। और बारिश व बर्फबारी उनके लिए विवाद जो है, यानी बाधा जो है वो बन सकती है। शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मोहिंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार से मंगलवार तक फिर से बादल छाए रहने एवं बारिश के आसार है। और साथ ही साथ कश्मीर में 22 से 24 अक्टूबर तक, जबकि जम्मू में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश के आसार है। मैं एक और बार बता देती हूँ कि कश्मीर में 22 से 24 तक जो है कश्मीर में 22 से 24 तक और जम्मू में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश के आसार जो है ये मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। और इसके साथ ही मौसम में ठंडक का एहसास शुरू हो गया है और रात के बाद अब दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। अब अगर कुछ जगहों के मैं आपको तापमान की बात बताऊं तो पिछले 24 घंटे में गुलमर्ग का 7 रहा, कुपवाड़ा का 2 mm बारिश दर्ज की गई है और काजीगुंड में 8.2, पहलगाम में 1.1, कोकरनाग में 7.6, गुलमर्ग में 1.8 mm और जबकि बनिहाल में 1.8, बटोत में 4.8 और भद्रवाह में 2.3 mm बारिश दर्ज की गई है। और मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार जम्मू का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं माँ वैष्णो देवी के आदर्श शिविर कटरा का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा और जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ऐसे ही विभिन्न जगहों के जो तापमान है वो रहे हैं। तो मुझे सार ने ये बनान कि मौसम विभाग जो टाइम पर टाइम यूजन एडवाइजरी जारी करान, तो भाई जो ऐसे ये सूचित करान कि यूजन भुवनो आख चेंजेस यूजन तमाम अगर वेदर वेदर बाबत भी तो इन्फॉर्मेशन दूँ
तो बहुत ज़रूरी है कि मौसम जिस विभाग जिस तरीके से जानकारी देता है उसे ध्यान में रखते हुए ही हमें जो है अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि पहाड़ी एरियाज का रुख जो है आप फिलहाल के लिए ना करें, क्योंकि बर्फबारी और बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बाधा जो है वो बन सकती है। तो पूरी जानकारी जो मौसम विभाग द्वारा निकल कर आ रही थी वह मैंने आप तक पहुँचा दी है, किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में जो बारिश के आसार है, तो कश्मीर में 22 से 24 अक्टूबर तक और जम्मू में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश के आसार साफ तौर पर रहेंगे, ऐसा कहना जो है मौसम विभाग का है। तो वन पूछो कि केम साथ पे रूद तो अगर रूद सीत सीत बर्फबारी हंस कत करो तो कश्मीर मज तो इत छुपाई की यम साथ बर्फबारी हंद सिलसिले छ शुरू गसान तो युजन तूर छ तूर छ नेक्स्ट लेवलस पेट गसान क्याज की कांगर छ ते तेस हेवान या फेरन यम जाद तिरस मंज फेरन छ स्टार्ट गसान अगर फेरन गो स्टार्ट कांगर गई स्टार्ट तो ये समझू कि तर यूजन छ अगर बो वनो की नेक्स्ट लेवल तर वन गई स्टार्ट ही। तो फिलहाल छ मौसम विभाग ने यही जानकारी दितमत के पनुन थयु ख्याल तो यम जन हिली एरियाज मन छ यसान ट्रैवल करन तो तिमन तो ये हिदायत दितमत की फिलहाल मा गिस्यु तो ही ट्रैवल मा गिस करियु तो ही तमाम हिली एरियान मन कैस की सुगैस तो एक खतर डिफिकल्ट। तो यूजन पूरी जानकारी अस मौसम विभाग हन सुदितमो में तो ही पूर पेट तो भाई बारिश रूद हंद कत करो या शीन हंस कत करो तो सुध छु वनमुद मौसम विभागन की जल्द शीन तो यूजन रूद छु सुहेक पेत कशीर मंस तो यूजन डेट जम जम बाबत या कशीर बाबत सुध वनमो में तो वही पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो लिख रहे हैं कि कश्मीरी में बोलिए। तो देखिए जितनी कश्मीरी मुझे आती है मैं आप तक पहुँचाती हूँ और तो इत छुपाई की ऑड फोट कोशिश हसब करान तो मगर कोशिश हस करान कि अगर ऑड फोट ही वन मगर अगर कमेंट बॉक्सेस मंस छु तो ही लेखान या तो छु यसान की बुवन कोशल लैंग्वेजेस मंस तो हूँ खतरी छसब थोड़ा बहुत वनान तो कोशिश करी कि ये जन एडवाइजरी छु जारी गस नहीं या हिली एरिया मंस रिस्ट्रिक्शन बुझन आमत या यम बाबत मौसम विभागन छु वनमुद की ये शीन हूं तो भाई रूद हूं छो वनमुद तो मुझे सार ने ये वनान कि ज्यादमा करियो हेली एरियान हूं तो ट्रैवल कैस की सुगैस तो सुहाइक क्रिएट करी कहा प्रॉब्लम तो एक होते तो कशीर मंज अगर कत करो तो यम साथ तुर्च स्टार्ट गसान तो कांगर तो स्टार्ट गसान तथा कांगर सहित सहित फेरन तो छु सही लागान कैस की अगर बो वनो तुर निश छु बचुन तो फेरन तो कांगर गईस ऐसे निश जरूर आसुन। तो इसी के साथ साथ जो पूरी जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि कितकिन मौसम विभागन छु पूर यूजन पनुन लिस्ट इम छ कड़ान भाई इम छ ये प्रिडिक्ट करान या क्या नेक्स्ट वीक क्या गईस या कितकिन गईस आइस पूर ये ख्याल था उनकी मौसम हुंद यूजन चेंज छु गसान कैस की यम साथ मौसम हुंद चेंज छु गसान तत्मन छु ये जरूर ये वुचन इवान की ट्रैवल यम जन ट्रैवलिंग छ करान ज्यादा को ज्यादा या ख्योन चोन यजन सोन छु आसन यथमस तो छु ऐसा जरूर ख्याल था उन। तो वहीं पे जहरा लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है कोशुर बोलना तो बहुत शुक्रिया आपका जहरा। तो कोशिश यही रहती है कि जितनी यूता में ऑडफोर्ड कोशुर छु तगान सुचस बो बनान वन कोशिश छस करान की परफेक्ट ही कर वन तो ये आइस पाई में खुद असल की कैस की तो ये शुमियोन कोशिश ही ऑड फोट बोजान तो मुझे तो सारे ये बनान की अगर कशीर हंस कात करो तो बहिमी पेट स्टार्ट तो भाई चौ अक्टूबर ताइन कशीर मंज रोज बारिश यूजन प्रिडिक्ट छीम करान की बारिश ते रोज आसार मगर जम हंस अगर कात करो तो त्रऊ तो भाई चौ अक्टूबर यूजन छु ते है कि बारिश ये जन रूद छु ये गई जम्मस मंजी छु पूरी यूजन जानकारी ये मौसम विभागन दितमत। तो मुझे तो सारे ये बनान की जिस तरीके से मौसम में बदलाव है ये जानकारी भी तरीके से मौसम विभाग में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी जानकारी जो मौसम विभाग द्वारा निकल कर आ रही थी ये सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर से बाहर से रुख कर जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं घूमने के लिए। तो हिली एरियाज में अभी यही कहा गया है कि फिलहाल के लिए आप जो है हिली एरियाज का रुख ना करें
और जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के बारे में ये बताया गया है कि बारिश के आसार रहेंगे और हिली एरियाज में बर्फबारी के आसार भी जो है वो साफ तौर पर रहेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है और बहुत से व्यूअर्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं जो लिख रहे हैं कि उनको मेरी कश्मीरी पसंद आती है। तो मैं यही कहूंगी कि फिलहाल जो अपडेट था वो पूरा मैंने आपको बता दिया है, क्या कुछ इस अपडेट में निकल कर आ रहा था और पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। और इसी बीच में बहुत से रिवर्स बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं। सरताज लेखन असल कोशुर शख्स करान वारिया माए तो मोहब्बत छुतो मोहन कौशल दीवान या कौशल लैंग्वेजेस दीवान तो मैं छुपान अ कॉन्फिडेंस स्टार्ट गसान कि मैंने कित कहीं वन बो कौशल ओटफुट आस्तिन या क्या आस्तिन, मगर स्टार्टिंग जो है शुरुआत जो है वो मैं हिंदी से ही करती हूँ ताकि बहुत सारे व्यूअर्स जो है जिन्हें कश्मीरी समझ में नहीं आती है क्योंकि मैं छुछमुत की वारे यमसन लेखान छु कि वन क्या छुन तो पूर हिंदी मंस करान मंस क्या छु कौश राइड करान तो भुवनो तो ही कि मैं छुपान कौशर जुबान पसंद तो यूजन म्योन मदर टंग छु सुत छु कौशरी तेमी छस बौशर लैंग्वेजेस मंस मैं पान असर लगा नियम सात ब कहाँ अपडेट छु तो दीवान। तो वहीं पे अब पूरी जानकारी मैंने आप तक दे दी है कि मौसम विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है तो इसके ही अकॉर्डिंग चले और अपना ख्याल जो है वो पूर्ण रूप से रखें। तो फिलहाल अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।